या तो रखे सारा अभिमान। इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ये जो वेट स्पेल है, जो स्नोफॉल का, जो आईएमडी से हमने वैसे कन्वे कर दिया था एक हफ्ते पहले ही कि 3 और 4 तारीख को बर्फबारी काफ़ी रहेगी, तो उसी के माध्यम से हमने एडवाइजरी इशू कर दी थी और सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे वो भी एक्टिव थे और सारी प्रेपरेशन उनके द्वारा कर दी गई थी। और देखा गया है कि जो चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला और जो सिरमौर और सोलन के जो हाई रीचीज एरिया है उसमें काफ़ी अच्छी बर्फबारी देखी गई है और बर्फबारी अभी भी जारी है ज़्यादातर जगह पर, और ये लगभग 7-8 बजे तक जो बर्फबारी है शिमला में खासकर वो चली रहेगी। कल से मौसम जो है साफ होने की संभावना है। अगर बर्फबारी कहें तो शिमला में ही लगभग 1 फुट से ऊपर बर्फ यहाँ पर पड़ चुकी है और जो शिमला के जो मेन जो रास्ते रहते हैं, जो रोड है, वो सभी बंद हो चुके हैं और 1.5-2 फुट बर्फ़ जो है आपके जैसे खड़ा पत्थर, कुफरी, नारकंडा और भी जगह पर पहुँच चुकी है। अगर हम पब्लिक यूटिलिटी की बात करें कि जिस तरह से बर्फबारी जो पहाड़ों में है फ़ायदा भी पहुंचाती है और इससे जो जन सुविधाएँ हैं उस पर असर भी पड़ता है, तो जो रोड अभी जो पूरे हिमाचल में जो ब्लॉक है 667 रोड हमारे अभी ब्लॉक है और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो शिमला और चंबा में जो है रोड काफ़ी ब्लॉक हुए हैं। और जो अगर बिजली की बात करें, जो आप जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो एक ट्रांसफार्मर लगभग 3-4 गाँव को यहाँ पर बिजली प्रदान करता है, तो 1486 जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो हमारे अभी बाधित है और बिजली कर्मचारी और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी जो है इनको दुरुस्त कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को और रोड्स को। और वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो 171 जो हमारी बाधित है। अगर फायर इंसिडेंट्स की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोई फायर इंसिडेंट्स अभी देखने को नहीं मिला है। और अगर हम ओवरऑल लॉसेस की बात करें, 1 जनवरी से हमारा जो ये स्पेल जो शुरुआत हुआ है, जो हम कहते हैं कि डिज़ास्टर का, तो आज की रिपोर्ट अभी 5:30 बजे हम कंपाइल करेंगे। वैसे कोई मेजर जो रिपोर्ट है कि 24 घंटे के अंदर कोई मेजर दुर्घटना हुई है या फिर काफ़ी हानि हुई है, वैसे कोई इतनी बड़ी रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर 1 जनवरी से अभी तक का हम टोटल आंकड़ा देखें तो लगभग 132 जो लोग हैं वो हमारे एक्सपायर हुए हैं और जो जो हमारे एनिमल्स और जो ह्यूमन जो अदर लाइव्स हैं वो 83 जो है एनिमल्स हुए हैं। अगर हाउस की बात करें तो लगभग जो हमारे 100 के करीब जो घर हैं उनको पूर्ण या आंशिक जो नुकसान हुआ है और ओवरऑल जो प्रॉपर्टी लॉस है लगभग 205 करोड़ के करीब 1 जनवरी से लेकर अभी तक, ये विंटर स्पेल की बात कर रहे हैं तो वो लॉसेस हुए हैं। बाकी क्योंकि बर्फबारी और ओवरऑल जो प्रॉपर्टी लॉस है लगभग 205 करोड़ के करीब 1 जनवरी से लेकर अभी तक, ये विंटर स्पेल की बात कर रहे हैं तो वो लॉसेस हुए हैं। बाकी क्योंकि बर्फबारी जारी है और ज़्यादातर क्षेत्र कटे हैं तो पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जिलाधीश की अगुवाई में कोशिश की जा रही है जो जन सुविधाएँ हैं उनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए। लेकिन बर्फबारी काफ़ी है तो लगभग मुझे लगता है कि 1-2 दिन लगेंगे जो सभी सुविधाएँ हैं उनको दुरुस्त करने में। सर, कोई एडवाइजरी भी इस दौरान के लिए जारी की गई है पर्यटकों के लिए या आम लोगों के लिए? हाँ जी, एक्चुअली जो हम कह रहे थे कि लगभग 1 हफ्ते पहले ही हमने एडवाइजरी इशू कर दी थी कि 3-4 तारीख को जो आपका क्या बोलते वो ये जो वेट स्पेल है वो काफ़ी टफ रहने वाला है। और उसी तरह से लगभग 3 दिन पहले आईएमडी विभाग की ओर से और हमारी ओर से फिर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भी जो ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई थी, पुलिस के द्वारा भी की गई है। और साथ में ही हमने जो कुछ एक हमारे जैसे जो टेस्ट्स वगैरह है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह है, उसमें भी जैसे हमीरपुर में होने थे उनके लिए भी ये कहा है कि वो क्या बोलते हैं अगर कोई छूट जाते हैं क्योंकि बर्फबारी में अभी निकलना मुश्किल है तो उसके लिए वो अल्टरनेट उनको मौका देंगे। तो सभी एडवाइजरी और इसी एडवाइजरी के कारण और जो मौके पर जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कार्य करें तो कोई बड़ी जो नुकसान होने की अभी तक खबर हमारे पास नहीं आई है। सर, क्या निर्देश दिए गए? जैसे डीसी, आपने कहा कि डाटा